हेलो जी, जय सियाराम, निमन प्रणाम। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं संतोष बिश्नोई। ये देखिए जी, आज का मौसम बहुत ज़्यादा बादल गिरे हुए हैं और आज मैं सफाई करने की तैयारी कर रही हूँ दीपावली पर। तो आइए चलिए, आपको भी दिखाते हैं मैं क्या क्या सफाई करूँगी। आज मैं ऊपर जो मकान है, छत पर है, उनसे शुरुआत करूँगी। पहले तो आपको मैं आज का मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए जी, आज का कितना सुहाना मौसम हो चुका है, बिल्कुल बारिश के जैसा हो रहा है। ये देखिए, दो कुत्ते भी हमारे खेत में खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोटावेटर मार रखा है, तो इसलिए बरसीन की बिजाई के लिए तैयार कर रखा खेत। ये देखिए मौसम, चारों तरफ ऐसा ही मौसम है। ये देखिए, मैं इन मकानों की सफाई करूंगी अभी। हाँ जी, तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर झाड़ू से और सब जाड़े जुड़े उतार के साफ कर दिए हैं, बारिश से झटका के साफ कर दिया है चारों तरफ से, ऊपर से, छत से, नीचे से, फर्श भी। और अब इसके ऊपर जो मिट्टी है, इसको गीले कपड़े से साफ करेंगे और फर्श को नाले से धोएंगे और सारे सफाई कर दिए हैं। और पंखे को साफ करना रहा है, ये भी अब करेंगे। तो ये देखिए, मैंने फर्श भी धो दिया है और बेड को भी साफ़ कर दिया है, अलमारी को भी साफ़ कर दिया है, सारा सामान साफ़ करके रख दिया वापस। फर्श अभी थोड़ा गिल्ला है। आपको मैं ये बता दूँ कि ये इसकी छत दोबारा लगाई हुई है। पहले इसकी जो छत होती है ना, पहाड़ों पर होती है ना घरों में, वैसी छत थी इसकी। ये देखिए, पंखा भी साफ कर दिया मैंने। तिरछी छत थी पहले इसकी, तो दोबारा तोड़ फोड़ के इस मकान को दोबारा से किया। अभी तक इन मकानों के कलर नहीं किया है, तो ये ऐसे ही पड़े। ये देखिए, ये भी फर्श धोकर साफ कर दिया है। ये बरामदा खुला है, अभी तक इसके गेट नहीं लगाए। ऊपर से जाले भी साफ कर दिए हैं, पर ये भौरा मिट्टी जो ऊपर हाथ नहीं पहुंच पाए था, ये दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक जगह से इसे चिड़िया के घोंसले को फोड़ा, तो इसके अंदर बहुत ही बड़ा चमगादड़ निकला था। उसकी वजह से हमें डर लगा और हमने ये फोड़ने से मना कर दिया। ये देखिए एक बार फिर से मौसम, बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं और घिरा हुआ है। मौसम तो बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा है। दो बार तो बूंदाबांदी आ चुकी है, हम सफाई के लगे थे तब से, और अब फिर से बूंदाबांदी होने की आस लगी है। थोड़ी बहुत बूंद आ रही है। ये देखिए, छत भी धो दी है, कूलर की जालियाँ भी धो दी है, सारी सफाई कर दी है। अब कूलर को कलर करना है, वो कल करूँगी मैं। हेलो जी, आ जाइए, हम बना रहे हैं गुलगुले, आप भी खाइए मीठे मीठे।
बारिश के मौसम में गुलगुले और पकौड़े तो बनाने पड़ते हैं। हेलो जी, मैं ये बना रही हूँ पूरियाँ। पहले मैंने बनाए गुलगुले और अब फिर बनाए पकौड़े और अब बना रही हूँ पूरी। आप भी आ जाइए और खा लीजिए। आज के ब्लॉग में आपके लिए इतना ही। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।